हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज प्यू हेस्टल स्टाइल आपका अपना चैनल और टुडे आई एम टू शो यू द सॉल्यूशन ऑफ़ हेयर फॉल बिकॉज आजकल का जो मौसम है बहुत ज़्यादा चिपचिपा वाला है बारिश हो रही है हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एक्चुअली मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है हेयर फॉल मैं यूँ करती हूँ तो लिटरली तीन चार बाल तो आ ही जाते हैं हाथ में तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ दिस इज़ वेरी नाइस शैम्पू एंड कंडीशनर सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट शैम्पूज़ एंड कंडीशनर तो मैंने बहुत सर्च करके और पॉकेट को ध्यान में रखते हुए एक शैम्पू सर्च किया है बहुत अच्छा है तो आई एल शो यू सो दिस इज़ द बायोटिक शैम्पू काफ़ी अच्छा शैम्पू है ये आप देख सकते हैं और इसमें है प्रोटीन शैम्पू फॉर फॉलिंग हेयर इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा और आयुर्वेदिक रेसिपी हंड्रेड परसेंट नेचुरल है ये बायोटिक का है ये आयुर्वेदिक उसका है तो आ, अराउंड ये आपको मिलता है नाइन्टी नाइन रुपीज़ में पर्पल पर में पर पर बहुत सेल चलती रहती है तो आप वहाँ से ले सकते हैं आ, बहुत ही रिजनेबल्स अभी भी इंडिपेंडेंट सेल चल रही थी तब मैंने इसे ऑफर ऑर्डर किया था और बहुत ही आ, अच्छा लगा मुझे शैम्पू मैंने, मैंने इसे टू थ्री टाइम्स मैंने इसे यूज़ कर चुकी हूँ देन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ तो अगर आप अच्छा और अफोर्डेबल शैम्पू सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए काफ़ी अच्छा है और इसमें नरिश ये काफ़ी मतलब आपके स्कैल्प को फास्टर ग्रोथ करता है जो आपके जहाँ ये जो स्कैल्प्स होती हैं यहाँ से बिल्कुल आपके जो हेयर्स बिल्कुल चले जाते हैं धीरे धीरे करके क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो रहा था तब मैंने ये सर्च किया शैम्पू दिस इज़ वेरी नाइस तो और इसकी जो खुशबू है मतलब लाइक थोड़ा सा जैसे पेपरमेंट होता है ना उस तरीके की स्मेल कर रहा है ये और इस तरीके से है पंप स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं है ओपन कीजिए और यूज़ कीजिए काफ़ी अच्छा है और बहुत ही छोटी सी पैकिंग में आया है मतलब क्यूट सी पैकिंग में तो आप इसे बड़ा हैंडी है आप इसे अपने पर्स में या बैग में रख के कहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी इजीली आप ले सकते हैं लीक बिल्कुल भी नहीं होगा ये लीक प्रूफ है तो दिस इज़ वेरी नाइस सो so, इसी के साथ मैंने एक शैम्पू के साथ मंगाया है एक कंडीशनर क्योंकि शैम्पू करने के बाद हमारे बालों को होती है थोड़ी सी कंडीशनिंग की ज़रूरत तो मैंने ये मंगाया है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायोशिया कैल्प करके है ये और ये आपको पर्पल पे मिल जाएगा ओरिजिनल आप प्लीज़ इसे फ्लिपकार्ट या कहीं और से मत लीजिएगा क्योंकि कई बार इसके ड्यूब भी मिलते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप इसकी ख़ुद की वेबसाइट से अगर परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो ये बात करते हैं इसके प्राइस की इसका जो प्राइस है वन थर्टी है कंडीशनर शैम्पू से थोड़ा सा महंगा है बट अंडर वन आपको मिल जाएगा ये दोनों अच्छी चीज़ हैं सेम इसका भी इसी तरीके से है और इसमें भी बड़ी एक डिफरेंट सी खुशबू आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की है बट बहुत अच्छी है देन इसमें आपको मिलता है क्या क्या पड़ा है मैं आपको बताती हूँ इसमें पड़ा है नीम बार्क भृंगराज प्लांट रीटा रीठा फ्रूट कोकोनट ऑयल प्योरिफाइड वाटर और बहुत अच्छा है ये जेल फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है जेल फॉर्म में ये भी बड़ा हैंडी है, आप अपने पर्स में इजीली इवन आप अपने हैंड बैग में भी इसे कैरी कर सकते हैं तो दिस इज़ फॉर वेरी नाइस प्रोडक्ट फॉर हेयर फॉलिंग हेयर्स तो अगर आप कुछ अच्छा सर्च कर रहे हैं अच्छा सर्च कर रहे हैं तो आप बायोटिक के ये शैम्पू एंड कंडीशनर ले सकते हैं बहुत ही अच्छा वाला कंडीशनर है आपके बजट में है सो so डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए सो so अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्चुअल रिव्यू जो कि मैं इसे खुद यूज़ करके आप देख सकते हैं इसकी क्वान्टिटी यहाँ तक ये यह, यहाँ तक फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट तो ये बहुत अच्छा है शैम्पू का भी यहाँ तक फिनिश हो चुका है आप देख सकते हैं तो मैं इसे थ्री फोर टाइम्स यूज़ कर चुकी हूँ तो काफ़ी अच्छा है डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए